प्रदीप गहल यूट्यूब चैनल का स्वागत है। जिहड़े वीर फेसबुक ते वीडियो नूं देख रहे आ फेसबुक ते वध तों वध शेयर जरूर कर दिओ, क्योंकि अज दी जिहड़ी वीडियो इहदे विच पग दी पूणी दी वेस दी सारी जानकारी तुहानूं दवांगे। बहुत सारे मुन्ने भरावां दे मैसेज हुंदे आ कि वी सानूं पग बन्नण दे विच इह प्रॉब्लम आउंदियां, उह सारा डिटेल दे विच अज तुहानूं दस्सांगे। तो 5.5 मीटर पग आपां जिहड़ी बन्नांगे, बटां वाली पग भी बन्नांगे और पेचां वाली पग भी, दोवें वीडियो दे विच दस्सांगे। वध तों वध वीरे लाइव नूं शेयर करो ताकि होर भी वीरां भरावां दा भला हो जाए ते वध तों वध वीर साडे नाल जुड़ सकन। एक लड़ नूं जिहड़े कि लाउण दे तुहानूं 5-5 तरीके दस्सांगे। जेकर तुहाडे तों एक लड़ एक तरीके नाल नहीं लगदा तां दूजे नाल ट्राई कर सकदे हो, दूजे नाल नहीं तां तीजे नाल ट्राई कर सकदे हो, एवें तुसीं ट्राई कर सकदे हो। वध तों वध किसी भी तरीके दे नाल एक तरीके दे नाल तां तुहानूं जिहड़ा सैटिंग दे विच बैठ जूगा, तुसीं वधिया लड़ ला सकदे हो। सो आपां स्टार्ट करदे हां। सब तों पहलां पूणी किस तरीके नाल करनी है, बहुत वीरां दे सवाल हुंदे आ पग दी पूणी दे रिलेटड, क्योंकि जेकर कई वीरां दा मनना जे पूणी वधिया होऊगी साडी तां असीं दस्तारा आपे जिहड़ी वधिया बन सकदे हां। इह जिहड़ा आपणा मनना हुंदा, पर यह जरूरी नहीं हुंदा, क्योंकि कई बार हुंदा आपां बिना पूणी कीते भी दस्तार बन लैंदे आ, नाल दी नाल पूणी करी जांदे आ ना कन्नी। सारा मेन जिहड़ी हुंदी इहदे विच गल्लबात उह हुंदी आ वी तुसीं पूणी किद्दां सैट कर लैंदे हो। पूणी दी सैटिंग जे तुहानूं करनी आउंदी आ बाद दे विच वी तुसीं कर सकदे हो, जरूरी नहीं वी पूणी करनी जरूरी है। हुण एक साइड तां आपां मुंडे दे हत्थ दे विच लड़ फड़ा देना, हो जाओ बैक साइड वाल नूं, हो जाओ इत्थे सेंटर दे विच लै आ, ते आ सेंटर दे विच दोवें पल्ले एवें अंदर नूं मोड़ते, इत्थों अंदर नूं जिहड़ा मोड़न दा तरीका इधर मेरे वाली साइड आ जा, उधर नूं सारा दिसूगा एवें हो, एवें अंदर नूं। हरेक बंदा जिहड़ा कि 80% 90% बंदिआं नूं पता हैगा बई एवें लड़ अंदरली साइड मोड़ के मेरे नेड़े रहि तां कि आवाज वधिया होई जाए, इत्थे आ जा। 80% बंदिआं नूं पता हैगा इह बई तुसीं पूणी करन वेले आ दोवें पल्ले अंदर मोड़ने आ, ते बाद दे विच मेन की रह जांदा हैगा पूणी इकट्ठी किस तरीके दे नाल करनी है। सब तो सौखा तरीका है पूणी दा, ते तरीका यह हैगा इकट्ठी किवें करनी है। दोवें साइड तो एक कन्नी आ, नेड़ियों करके दिखा दो एक बार, दोवें साइडां तो एक एक कन्नी चक लैनी है। पूणी दी चढ़ाई जिहड़ी ज़्यादा नहीं रखनी, एवें हिला के जिहड़ा मटीरियल आ सारा कपड़ा थले जा रहा है, थले जाण तों बाद आपां इहनूं इकट्ठी कर लैणा इत्थों फड़ के। फिर तुसीं देखो पूणी ज़्यादा चढ़ाई दे विच नहीं होऊगी, जेकर तुसीं पूणी की चढ़ाई ज़्यादा रखोगे तो तुहानूं बाद दे विच बन्नण दे विच भी प्रॉब्लम आऊगी। जिन्नी पूणी तुहाडे हथ दे विच रहेगी टैक के रहेगी उन्नी पग आ जिहड़ी उह वधिया बन्नी जाऊगी। सिरे ते जाके इत्थों आपां इहनूं लड़ नूं विच दी कढ देणा है, इस तरीके दे नाल करन नाल ना जिहड़ी पूणी आ उह खुलदी नहीं कदे भी। इत्थे नेड़े लै जदों भी तुसीं पग बन्ननी आ, पग बन्नदे दौरान एक गल दा ध्यान विच रखना, जदों भी पग बन्ननी आ पूणी आ जिहड़ी तुहाडे मोढ़े ते होनी चाहीदी आ। जेकर तुसीं मूहरे थले रख लैंदे हो तां उह जदों पूणी बन्नोगे आपां नाल दी नाल पग तां पूणी तुहाडी खुल जाऊगी, इह चीज़ दा ध्यान दे विच रखना। ते हुण आपां बन्नण लगे दस्तार, सब तों पहलां आपां बटां वाली पग बन्नांगे, ठीक है जी। जिहड़ी साइड तों तुसीं पग फड़ी अपनी इकट्ठी करनी पूणी स्टार्ट कीती आ उधरों आपां बन्ननी स्टार्ट करांगे। इत्थे आ जाओ, सब तो पहलां दस दिए बेस बनना जिहड़ा कि बड़ा जरूरी नहीं। जेकर तुसीं बेस नहीं भी बनना चाहुंदे, जिवें मोने वीर वो नहीं बनना चाहुंदे, अज दी जिहड़ी वीडियो लाइव आ इह मेनली हैगा गा जिहड़े मोने वीर आ उहनां दे लई आ, बाकी जिहड़े दूसरे वीर आ उहनां लई भी तरीके आ जिहड़े वो पता उहनां नूं लग जाणगे बेस दी, आपां वीडियो दूसरे लोड पा देंगे पेज दे उत्ते। ते सब तो पहला लड़ किद्दां लाउणा, सब तो मेन तुसीं ध्यान च रखना कि वी थोड़ा सिर दी आ जिहड़ी शेप आ गलाई दे विच आ तो तुहानूं ज़्यादा लोड़ नहीं बेस की। सब तो पहला लड़ जिहड़े दो पतले पल्ले आ, तुसीं देखो पूणी करदे समय जिहड़े दो पतले पल्ले आ इह इह आपां थल्ले वाली साइड रखणे आ। ते कई वीर की करदे एवें पुट्ठा लड़ ला लैंदे आ पतला पासा उत्ते आवड़दा, उहदे नाल पूणी वधिया तरीके दे नाल इक तां खिलरन लग जांदी आ ते वधिया तरीके नाल दस्तार आ जिहड़ी उह बन्नी नहीं आउंदी। पहला लड़ ठीक है जी, पहला लड़ बहुत वीरां दा खिसकदा खिसकदा, क्यों तुसीं की करदे बिल्कुल सेंटर तों वी लिआउंदे आ इत्थे, जे तो इतों लड़ लाने तो एवें खिसके आता वो, ये तुम की कर सकते हैं बैक साइड से तुम देखो तुम्हें की करना इतों की नहीं लड़ लाना, इतों की अद तो थोड़ा जहा अगले पासे रखना, अगले पासे रख के देखो जी इधरली साइड नीवा करके आऊगा लड़ इतों की। जे तुम यही तुम इतों की लियादे तो वह खिसके आना सीगा। सब तो पहला लड़ लाने के मैं 2-3 तरीके दसूँगा, तो तुसीं ध्यान दे विच रखना। पहला लड़ एक तां तुसीं इत्थों इकट्ठे करके वट पा के
लाड़े इस तरीके ला सकते हो। ठीक है जी, दूसरा तरीका ये ये होर कि तुसी एवें पिंच करके एवें कट्ठा करके ला बल पा सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका थल्ले वाला लड़ कढ़ लेना, ये थल्ले वाला लड़ कढ़ के एवें कट्ठा करके जो लाओगे वड पै जाणगे। ठीक है जी, जिहड़ा सब तो वधिया तरीका जिहड़ा मैं तुहानू दसूंगा सिंपल ते सादा तरीका वह हैगा ये इतों कपड़े कट्ठा करके। ठीक है, जे थोड़ा लगता थोड़ा रुमाल ज बेस आ जो 50 आ वड्डी आ छोटी कर सकते हो, उपर चक के हल्का जहा एवें वट पै गए पहला लड़ लग जूगा। ठीक है, पहले लड़ तो बाद जी दूसरे लड़ की चीज़ तुम ध्यान रखनी आ वह भी थोड़ा दसूँगा, क्योंकि कई वीर की पग उच्ची या नीवी ज़्यादा हो जाती है ज कई वीर कह दें पग उच्ची चली गई वो तुम की हल कर सकते हो। इतों जिहड़ा पहला लड़ लाया ये उपर की लड़ आऊगा तो आ जे दो पतले पले थले रहे। ठीक है जी, उपर द लिया के इधर जिनी पूनी की आम चढ़ाई होंगी उन्नी आप थले रख लेनी। दूसरा लड़ हूँ जे दूसरा लड़ तुम इतों मोड़ोगे तो थोड़ी दस्तार का तीसरा लड़ तुम इतों एदू भी उच्चा लाओगे उच्ची दस्तार चली जाओ। दूसरा लड़ के उत्ते जी पग की शेप आ वह दूसरे या तीसरे लड़ के उत्ते सारी टिकी होंगी आ। दूसरा लड़ तुम इतने कट्ठा किया थोड़ा जहा नीमा लाना। ठीक है जी, नीमा ट्राई करो इतों जी मुड़ के एवं वट पै गए। ठीक है, एक तो यह तरीका बटा का तुम देखो दोबारे तो मैं थोड़ा दिखा रहा एवें कट्ठा कर लेना अंगूठे के नाल कट्ठा करके फोन कट दे किधर कट्ठा करके लड़न कट्ठा करके आप ला सकते हैं एवं। तो इस तो बाद एक होर तरीका तुम देखो इस जगह के उत्ते आ मटीरियल सारा उपर रह गया इस जगह के उत्ते एक दो तीन चार पाँच एवें पिंच करके कट्ठे करके तुम देखो इस तरीके दे नाल पूरा वधिया जिहड़ा कि वाट आ वह पै जाणगे। लो जी, इस तो बिना जिन्हें भी वीर भरा लाइव देख रहे हैं सारे बेनती है कि वध तो वध ये वीडियो में शेयर करो, हो सकता कोई थोड़े वांग कोई होर वीर भरा भी जो घर बैठा दस्तार सीख सकता। इदों बाद बैक साइड पर देखो बैक साइड पर फिर जी इधर वाली साइड आ इधरों तुम एक एक इंच इन्ना इन्ना लड़ थले लाते जाना उधरली साइड तो चकते जाना उपर वाल इतों बाद अगला लड़ घूमो जी। हुण आ गया तीसरा लड़, तीसरे लड़ दे विच आ कपड़ा इत्थे ज़्यादा हो जाता तो बहुत भरावां नूं प्रॉब्लम आउंदी आ तीसरे लड़ दे विच कि भी पग दा लड़ जिहड़ा तुसीं की करदे हो तुसीं इत्थों कट्ठा कर दिंदे हो एवें कट्ठा करके एवें ला दिंदे हो। फिर बंदियां दी कईआं दी दस्तार आ जिहड़ी आ उपर वाली साइड तो कई वीरां दी दस्तार आ बैक साइड वल नूं चली जांदी आ। सो जदों भी लड़ थल्लों आ देखो एवें मोड़िया कट्ठा कर लिया आ जिहड़ी उपर वाली चीज़ आ इहनूं भी हल्का जिहा कट्ठा करना तां कि नोक आ जिहड़ी उह थोड़ी जिही खड़वीं जिही रहे। देखो तुसीं ये हल्के हल्के आप वट पा लेने देख सकते हो वट वट पै गए अपने इतों फड़े तो इदू बाद दस्तार के जो गलाई लियानी है आ उपर वाली साइड आ जी आहू तुम हल्का हल्का अंदर मोड़ लेना। ठीक है जी, नोक भी पूरी वधिया बनी है जे तुम चाहते हो दस्तार की शेप वधिया बने जो थल्यों लड़ मोड़ते उन्हें उपरों भी मोड़िया करो। हम बैक साइड तो थोड़ा दिखाने बैक साइड तो फिर पहला वाले नालों हल्का जिहा लड़ फिर ये वाला नीमा आ जी। जदों भी लड़ तुम लाने दो तीन चीज़ों का तुम ध्यान रखना एक तो जेडे पतले पले आ वो थले वाली साइड रहन, नंबर दो जदों भी लड़ लाना आ देखो एवें कट्ठा किया एक जगह पर थल्यों कट्ठा करन दे नाल नाल उपर भी आह चीज़ दायरे च रखनी है तुसीं जे थोड़े आह कंट्रोल दे विच उपर वाली चीज़ तो थोड़ी दस्तार आ जिहड़ी वह बहुत वधिया बनी जाऊगी। इस तों बाद अगले लड़ क्योंकि वट पाउणे ज़्यादा महने नहीं रखते दस्तार थोड़ी पेचां वाली आ जां वटां वाली आ इह चीज़ां ज़्यादा महने नहीं रखदियां जदों थोड़ी पग की शेप आ जिहड़ी वधिया तरीके नाल बनी हुई है। इत्थों बैक साइड तों फिर कट्ठा करके थोड़ा जिहा अंगूठा रख के लाड़ा जिहड़ा वो लावांगे आपां। सो तुसीं देख सकते हो दस्तार की शेप आ जिहड़ी वह बहुत वधिया बनी आ लास्ट तक जिहड़े दो पतले पले आ वो आपां थले तक रखे आ। इस तों बाद तुसीं देखो इत्थों फिर बहुत सारे वीरां दे इत्थे डेंट पै जांदा डेंट थोड़ा कदे नहीं पऊगा जेकर थोड़े दो पतले पले थले वाली साइड आ ते बाकी मटीरियल आ जिहड़ा पग दा उपर वाली साइड आ। इत्थों फिर लास्ट लड़ते कट्ठा जिहा करके हल्का जिहा
ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੱਟ ਪਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਤੀਜੇ ਲੜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਲੜ ਦੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੱਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਚੱਲਿਓ, ਡੱਬੀ ਕਿੱਥੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜੁੜ ਸਕਣ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਆ ਸਿੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਪਹਿਨ ਲਾਇਆ, ਪੱਗ ਪਹਿਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਲੜ ਆ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਆਹ ਪੱਲਾ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਕੁ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅੱਧਾ ਕੁ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਪੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਗ ਪੈਣ ਲਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਐਂ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਪੱਗ ਪੈਨ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਗ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਮ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਲੜ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਪੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਪੱਗ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਲੇ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕੱਢ ਕੇ ਲੜ ਬਾਹਲੇ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੱਲਿਓਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਲਾੜਾ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਾਂ ਮੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖਣਾ, ਲੜ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਆ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਆ ਇਹ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮੋੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ।